हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग निकल पड़े हैं घर से कहीं जाने के लिए। तो हम लोग निकले थे घर से करीब 10 बजे। ठंड बिल्कुल भी नहीं थी, धूप थी काफ़ी। तो हमने स्वेटर जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लिया है और ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग। और हवा चल रही थी, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर धूप की वजह से हवा का मतलब ठंड पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर हम लोग जा रहे हैं इसी तरह से। और ये देखिए, गोलू बहुत ज़्यादा खुश है। और हम लोग पहुंच चुके हैं मेरी माँ के घर में, मतलब मेरे मायके में पहुंच चुके हैं हम लोग। और मेरी मझली वाली जो दीदी है वो पहले से ही पहुंच चुकी है, मतलब वो हमारे आने से लगभग 1-1.5 घंटे पहले पहुंची थी। और ये देखिए, हमारा छोटा बाबू बहुत खुश है हमें देख कर। मेरा भाई का बेटा है, ये बहुत ही ज़्यादा खुश है और मस्ती कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर हम लोग आ गए और खाना वाना खाने के बाद, ये दूसरे दिन का वीडियो है जब हम लोग सुबह सुबह तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। तो आप लोग को जाते जाते पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो सब लोग तैयार हो गए हैं और ये देखिए, बाबू भी तैयार हो गया है, ये देव भी तैयार हो गया, मेरी मम्मी रेडी है और ये सारा सामान हमारा रेडी है। और हमारा ऑटो भी आकर अभी घर के पास में लग गया है। तो हम लोग जितनी भी लेडीज़ हैं वो और बच्चे हैं, ये ऑटो में जा रहे हैं और बाकी लोग जो हैं जेंट्स हैं वो लोग बाइक से आ रहे हैं। और हमारे घर के मतलब मेरे मायके के घर के पास में ही, मतलब थोड़ा सा दूर में एक मंदिर है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आज पूजा करने के लिए। जहाँ हम लोग हर साल जाते हैं जनवरी या फरवरी महीना में, हर साल हम लोग वहाँ पे जाते हैं। अच्छा लगता है जाने में पूरे परिवार के साथ में। और आज तक हम लोग इसीलिए रुके थे कि हम लोग सबको एक बार मिल जाए, उसके बाद जाने में अच्छा लगता है वहाँ पर। और वो एक पिकनिक स्पॉट है और मंदिर भी है वहाँ पर। पूजा करने के बाद हम लोग वहाँ पे पिकनिक करते हैं, उसके बाद शाम में घर आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो यहाँ पर मेरे दोनों जीजा जी, मेरी दोनों दीदी, उनके सारे बच्चे, मतलब मेरी बड़ी वाली दीदी के 2 बच्चे, मछली वाली का 1 बच्चा, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी मम्मी पापा, सब लोग हम लोग आज, मतलब हमारे माँ के घर के पूरी फैमिली आज हम लोग जा रहे हैं पिकनिक के लिए। और यहाँ देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में और उतर रहे हैं अभी मंदिर के पास में हम लोग। और यहाँ पर पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद ही जो होगा करेंगे हम लोग। और ये देखिए मंदिर, ये हम लोग यहाँ पे बचपन से आ रहे हैं, इसलिए कोई भी एक साल अगर हम लोग नहीं आते हैं ना तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हर साल आएं। कोशिश क्या करना है, मतलब आ ही जाते हैं हम लोग हर साल यहाँ पर। तो ये देखिए, सब लोग कोशिश करते हैं कि सब लोग एक साथ हम लोग मिलकर आएं यहाँ पे, क्योंकि अकेले में अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी अगर ऐसा ना हो कि मतलब सब लोग हम लोग एक साथ नहीं मिल पाएँ, सबको ऐसा फुर्सत ना मिले, तो हम लोग अकेले अकेले भी मतलब आ जाते हैं यहाँ पर। और ये देखिए, काफ़ी सुंदर है मंदिर, ये माता जी का मंदिर है ये देखिए। और यहाँ पर पूजा वूजा करने के बाद काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं पूजा करने के लिए, बहुत सारे यात्री आते हैं। और यहाँ पे चप्पल वगैरह खोल देंगे, ये भी हमारे जान पहचान वाले हैं जो यहाँ पे प्रसाद वगैरह बेचते हैं ना, वो ये हमारे जान पहचान के हैं। तो इनके यहाँ चप्पल वगैरह या फिर जो भी सामान है, हम लोग रखने के बाद यहाँ पे जो नल लगा हुआ है वहाँ पर हाथ पैर धोने के लिए आ गए हैं। और हाथ पैर धोने के बाद हम लोग यहाँ से प्रसाद लिए। और प्रसाद में देखिए क्या क्या है, ये पूरा जो ये डलिया है ना, ये पूरा 100 रुपये का था, मतलब 101 रुपये का था ये पूरा, ये डलिया जो है, जितना कुछ भी यहाँ पे है सारा सामान यहाँ पर मिल जाता है। तो हमने एक एक लिया यहाँ से, उसके बाद जिसको जो एक्स्ट्रा जो चाहिए था वो सब कुछ हमने यहाँ से लिया, उसके बाद हम लोग पूजा के लिए चले गए। और यहाँ पे अभी हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए थे, इसलिए बहुत कम लोग हैं। जैसे हम लोग तो पहुँच गए थे यहाँ पे 8:30 बजे तक पहुँच गए थे सुबह सुबह ही, इसलिए बहुत कम भीड़ है यहाँ पे। जैसे जैसे देर होती जाएगी ना, 10, 11, 12 बजते जाएगा, तो यहाँ पे भीड़ और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो हम लोग को सब कुछ यहाँ का पता है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह ही जल्दी आ जाते हैं ताकि हम लोग को भीड़ का सामना ना करना पड़े, वरना लंबा लाइन लगना पड़ता है। और अभी हम लोग घुस के आराम से पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, माता का मंदिर है और हम लोग अभी जा रहे हैं माता के मंदिर के अंदर में। और यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी हमारे जान पहचान वाले हैं। तो
वैसे कोई हमें दिक्कत होती नहीं है अगर अकेली भी आ जाएं या फिर कुछ भी तो। और ये देखिए, और बच्चे तो काफ़ी परेशान थे यहाँ पर, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाएं क्या करें, वो बदमाशी करने में लगे हुए थे, बहुत शैतानियाँ कर रहे थे। और हम लोग पहले आ गए थे, जैसे हम लोग जो लेडीज़ हैं वो पहले आ गए थे क्योंकि हम लोग को पूजा करना था, और जो आदमी लोग थे वो तो वो पूजा ना भी करे तो भी चलेगा। तो उन्होंने बोला कि हम लोग पूजा नहीं करेंगे, आप लोग पहले पूजा कर लीजिए, उसके बाद ही पिकनिक के टाइम पे हम लोग आ जाएंगे, पिकनिक के टाइम तक मतलब खाने पीने के टाइम तक हम लोग आ जाएंगे। तो बस हम लोग ही पूजा कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को संभाल रहे हैं। ये देखिए हम लोग पूरा आ गए हैं यहाँ पर, सब कोई एक साथ, और मंदिर के अंदर में घुस रहे हैं। मैं अंदर का नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि पता नहीं यहाँ पे अंदर का दिखाना सही है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, तो मैं नहीं दिखा रही हूँ अंदर का। पूजा जो हो रहा है ना जहाँ पे माता जी बैठी हुई है, वो जगह मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम अच्छा है या ख़राब है दिखाना, तो मुझे जैसा ठीक लगा मैं वैसा कर रही हूँ। और पूजा वगैरह करने के बाद ये देखिए हम आ गए हैं नदी के किनारे पर, जहाँ पे सब लोग बैठते हैं खाना वाना, मतलब खाना वाना खाने के लिए या फिर पिकनिक करते हैं जहाँ पे, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो पिकनिक कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे और यहाँ पे कुछ खाना वाना खा रहे हैं, नाश्ता हम लोग घर से ही बना के लेके आए थे, और दोपहर का खाना जो है वो हम लोग यहीं पर बनाएंगे, जो जिसके लिए देखिए ये लकड़ी वगैरह सब कुछ हम लोग लेकर आए हैं। तो नाश्ता में कुछ वैसा नहीं था, जैसे पकौड़ी वगैरह वगैरह थी, सब्जी थी और पूड़ी, हम लोग ये सब बना के लेके आए थे, और जो भी था फल वगैरह और मीठा वगैरह वो सब बाहर से मंगवाए थे। तो यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं हम लोग सब कोई एक साथ, बहुत मज़ा आ रहा था खाने में, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तो ये इधर देखिए, ये मेरे बड़े वाले जिया जी खा रहे हैं, जिसको जिधर मतलब बैठने के लिए सूटेबल जगह हुआ उधर खा रहा है, और इधर हम मैं मेरी मम्मी और मेरा बेटा खा रहे हैं। इधर इधर मेरे भाई भाभी खा रहे हैं, देखिए उधर मेरी मझली वाली दीदी है और मेरा दो मतलब बड़ी वाली दीदी के बेटे हैं, बड़ी वाली दीदी है इधर जो खा रहे हैं, और बाकी सब लोग खा चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग सब कोई जिसको जहाँ अच्छा लगा बैठ के खा रहे हैं, कोई धूप में तो कोई छाँव में, तो जिसको जहाँ अच्छा लगा उस तरह से हम लोग बैठ के खा रहे हैं। और ये देखिए गोलू भी अच्छा से खा रहा है एकदम मस्ती में। तो खाने होने के बाद हम लोगों ने फिर दोपहर का खाने का मतलब खाना बनाने का हमने सोचा, और दोपहर का खाना बनाया, उसके बाद खाने के बाद हम लोग शाम में आए। और यहाँ देखिए तो ये मंदिर जो है फ्रेंड्स, इसको कंसरा मंदिर बोलते हैं, मेरी माँ के घर के लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर होगा, और बिल्कुल करीब में ही है कंसरा मंदिर, काफ़ी फेमस है ये, पश्चिमी सिंहभूम का काफ़ी फेमस मंदिर है, अगर आप लोगों को पता होगा। अब अगर आप लोग इधर से होंगे चक्रधरपुर से, तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा, और अगर आप लोग बाहर से हैं तो ये NH-75 है, इसके साइड में है, मतलब बगल में है, थोड़ा सा अंदर में है। तो यहाँ पर खाने होने का काम हमारा निपट गया हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद। यहाँ पे देखिए मेरी दीदी जो है बड़ी वाली, वो बचपन की यादें ताज़ा कर रही है, क्योंकि हम लोग बचपन में यहाँ पे आते थे तो इसी तरह से गड्ढा खोद के यहाँ पे पानी निकालते थे, उस टाइम पर नल वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, तो इसी तरह से हम लोग पानी पीते थे यहाँ का। पर वही वो कर रही है, मतलब बचपन की यादें ताज़ा कर रही है, तो खेल रही है एक तरह से बोलिए। तो ये देखिए यहाँ पर भी साफ़ पानी निकल आया है, तो इस पानी को खाना वाना बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी और मैं यहाँ पर चूल्हा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, पत्थर वगैरह लाके, तो यहाँ पे चूल्हा बना रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग खाना वाना बनाएँगे, सबसे पहले चावल बनाएँगे फिर सब्ज़ी बनाएँगे, और बस हो गया हमारा, इतना ही प्रोग्राम है, ज़्यादा का नहीं है। और देखिए खाना वाना बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं सब लोग बैठ के, मतलब हम लोग बाद में खाएंगे, पहले इन लोग को दे रहे हैं खाना, आदमी लोग को, ये लोग खा लेंगे उसके बाद हम लोग बाद में खाएंगे, क्योंकि ये बाइक लेके अपना चले जाएंगे और हमारे लिए ऑटो आने वाला है, तो इसीलिए ये लोग को दे रहे हैं हम लोग खाना, उसके बाद हम लोग खाएंगे।
और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे परेशान होना पड़ा, क्योंकि जहाँ भी जा रहे थे हम लोग को धूप आ जा रहा था। जैसे एक जगह पे हम लोग गए, वहाँ पे छाया था, वहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद धूप आने लगा, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से जगह चेंज किया। फिर दूसरी जगह गए, दूसरी जगह में भी थोड़ी देर बाद धूप आने लगा। ये तीसरी जगह है, यहाँ पर फाइनली धूप नहीं है, मतलब अच्छी है, धूप छाँव है, मतलब धूप भी है, थोड़ा सा छाँव भी है, तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखिए खाना वगैरह ख़त्म हो गया हमारा, खा लिया, उसके बाद हम लोग एक जगह पे बैठ गए हैं, क्योंकि हमारी ऑटो नहीं आई है और जो लोग बाइक में जाना था वो लोग जा चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं बैठ बैठ के इधर उधर से, सब कोई अपना अपना पोजीशन लेकर, और सामान साइड में रख दिए हैं, जब ऑटो आ जाएगा तो इसको लोड करेंगे सामान को, उसके बाद हम लोग जाएँगे। तो तब तक हम लोग यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, बस इसी तरह से देखिए फ़ोटो खींच खींच के। तो ये देखिए कुछ फ़ोटो है जो हमने क्लिक करवाए थे पूरी फैमिली के, हमेशा ऐसा मोमेंट नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज आपको मिलते रहें इस तरह से। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।